Where is the headmaster? He is paying the maintenance amount continuously or not? आपने तो डाइवोर्स नहीं लिया है ना इनसे? ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है पता करना कि दूसरी शादी की है क्या? आप मुझे ईमानदारी से बताइए, यहाँ से सजा नहीं होने वाली है उसके लिए, लेकिन झूठ बोलिएगा, अगर गलत बोलिएगा तो उसके लिए सजा हो सकती है। आप जो है पूरी तरह कोऑपरेट कीजिए सच बोल करके। आप अपने क्लाइंट को बुलाइए यहाँ मीडिएशन सेंटर में, जितना गिला शिकवा है सब शिकायत दूर कीजिए आपस में, एक दूसरे को बिठाइए मीडिएशन में, अगर भेज दें तो क्या प्रॉब्लम है आपको? In this case, Your Lordship, right now I have been given a supplementary affidavit by the petitioner, Your Lordship. Yes. My Lord, on the last occasion, personal appearance of the petitioner was... Where is the headmaster? He is there. Ask him to come. Please come. Who is for the wife? I am a paying. You are paying. Lord sir. You are. Your statement was that he is Lord not sir, paying the maintenance. Lord sir, due to misunderstanding, Your Lord sir, this statement was given. What happened in this case, Your Lord sir, that... Wrong statement was given by you. No. That was misleading of court. No. Ye instruction... का कॉम्बिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाया था ड्यू टू डैट बेसिस योर लॉर्डशिप। लेकिन एक चीज है इसमें, जैसे 2011 से जब ये केस फाइल हुआ उसके बाद इंटरिम मेंटेनेंस का भी कंप्लीट पेमेंट ये नहीं किए थे। नो, यू टेल मी वन थिंग लॉर्डशिप, वेदर ही इज पेइंग द मेंटेनेंस अमाउंट कंटिन्यूअसली और नॉट? गैप कर करके दे रहे हैं और उसमें भी हाउ मच इज ड्यू? माय लॉर्ड का अटेंशन पेज नंबर 25 ऑफ द सप्लीमेंट्री एफिडेविट पे हम ले जाना चाहेंगे माय लॉर्ड। ऑल राइट, इसमें माय लॉर्ड नीचे से चौथा है, 1 जनवरी 2022 को 24,160 रुपए। फिर अगले पेज पे माय लॉर्ड, ये क्या है 24,160? ये हमारे अकाउंट से अपने आप कट गया, इनके पास मेंटेनेंस राशि पहुंच गई। कितना सैलरी है आपका? कितना सैलरी है? 77 सर। 77,000? 24,000 रुपया किनको मिला? ओपी नंबर 2 को माय लॉर्ड। अकेला मिला या उसमें साथ? उसमें सबको ही है इंक्लूड माय लॉर्ड, लगातार एक सीरीज है माय लॉर्ड। जैसे 1 जनवरी को मिला, फिर अगले 19 जनवरी को भी मिला 24,160 रुपए। राइट, सो एवरी मंथ दिस इज बीइंग डिडक्टेड? एग्जैक्टली माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इन टोटैलिटी सिंस 13th of February 2018 टू 27th of March 2019 वी हैव पेड अ मेंटेनेंस अमाउंट ऑफ अबाउट 3,753 रुपीज। And for the time duration, right from the starting to 22nd of February 2016, we have paid a maintenance amount of 2,35,000, my lord. No, that is not material. 2 lakhs bolne ki jarurat nahi hai. You are required to say only this much, that as per direction of the court, you are making payment. Exactly, my lord. That money is going in her account. Exactly, my lord. Then? Just operative part of the impugned order of the family court, Your Lordship. So it is an admitted position that you are getting the amount? Lordship, it appears. But... Nahin, phir aap it appears bolte hain. Wholeheartedly boliye jara. Lordship, just... Abhi turat ye di. Don't feel shy in accepting. If it is true, then you should come out with a categorical statement abhi, that he has done with details ye humko provide kiye hain. Provide किया देखिए आपके अगर आपको गलत इंस्ट्रक्शन दिया होगा
आई अपोलाइज योर ऑनर जो भी मेरी तरफ से हुआ नहीं आई डिस्क्लोज्ड इट टू यू लेकिन आई एम डिस्क्लोजिंग माय माइंड लॉर्ड सर आई वुड हैव इमीडिएटली टेकन अ व्यू अगेंस्ट यू बट द मोमेंट आई थॉट दैट इट केम इन माय माइंड दैट यू आर अपीयरिंग फॉर अ वुमन एंड दैट टू अ नेग्लेक्टेड वुमन हु इज लुकिंग फॉर हर मेंटेनेंस सो शी शुड नॉट बी बर्डन विद दैट लेकिन इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए ना अननेसेसरी ये गलत है हम इसको मतलब हाँ अब इसको हम मेरिट पर देख लेते हैं ये आए हुए हैं जी इनके साथ अभी तीन तीन बच्ची भी रह रही है सबसे बड़ी बेटी का एज है 29 इयर्स उसके बाद 26 इयर्स और 23 इयर्स यस सब लोग अनमैरिड हैं लेकिन ये जो अभी काउंटर हमको दिए हैं मतलब सप्लीमेंट्री जो दिए हैं उसमें कहते हैं कि इनको जानकारी हुई है कि दो की शादी हो गई है का तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हुजूर हम सब लोगों को बुलवा देते हैं सबसे अच्छा होगा एक एफिडेविट मंगवा लिया जाए नहीं उनको बोलने दीजिए क्या बोलिए आपको क्या जानकारी है जी किसी शिक्षक के द्वारा पता चला शिक्षक के द्वारा पता चला जी तो ये आपने तो डाइवोर्स नहीं लिया है ना इनसे तो ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है पता करना कि हाँ क्या हो रहा है क्या जी परिवार की क्या समस्या है आपने दूसरी शादी की है क्या जी नहीं आप सही बताइएगा मुझे जी नहीं तो फिर ये पता लग जाएगा ऐसा नहीं है कोर्ट जो है जी कोर्ट को अगर इंक्वायरी करवाएंगे तो पता लग जाएगा आपकी असलियत तो इसलिए आप मुझे ईमानदारी से बताइए आपने अगर दूसरी शादी की है तो वो भी बता सकते हैं आप जी नहीं सर यहाँ पर आपको इमीडिएटली यहाँ से सजा नहीं होने वाली है उसके लिए लेकिन झूठ बोलिएगा अगर गलत बोलिएगा तो उसके लिए सजा हो सकती है समझ रहे हैं बात समझाइए उनको पूरी वस्तु स्थिति मुझे असेस करने दीजिए आप जो आया है आप जो है पूरी तरह कोऑपरेट कीजिए सच बोल करके सेकंड वाइफ है ना क्योंकि हुजूर हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट के पैरा 7 पर थोड़ा सा ध्यान ले जाना चाहेंगे हुजूर का देखते हैं उसको जी नहीं एक चीज और अगर दो दो बेटी की शादी हो गई है जी तो ठीक है नहीं तो इनकी तो जिम्मेवारी बनती है ना इसी वजह से हम हुजूर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैरा 7 को एक बार पढ़ लिया जाए पैरा 7 जी अगर हुजूर परमिट करें तो मैं पढ़ के बोलूं हाँ बिल्कुल पढ़िए दैट द वाइफ ऑफ द पिटिशनर दैट इज ओपिनियन नंबर 2 इज हैविंग गुड टर्म्स विद सम क्रिमिनल माइंडेड पीपल And earlier on several occasions, she had sent many of them to beat and injure the petitioner. This is the only reason why he left many of the court dates unattended in the fear. While the proceedings were going on in the court of learned principal judge, family court Khagaria, where the learned judge in the judgment dated 19th of January 2017 gave wrong remarks too upon his absence there. Isme नीचे के जज साहब का द्वारा ये तो कहा गया वहां पर वकील रख करके ये पिटीशन फाइल कराना चाहिए था ना जी या आप आज यहाँ हाई कोर्ट में बोलने आए हैं जिस दिन आपको कोई वही तो समस्या अगर कोई ऐसी बात थी ही शुड हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट बिलो कि साहब दिस इज द रीजन व्हाई आई एम एब्सेंट प्लीज प्रोवाइड मी सम प्रोटेक्शन सो दैट आई कैन कम एंड डिपोज इन द कोर्ट नहीं वो भी हाई कोर्ट के आदेश पे इनको अपीयर होना था वो सारा कुछ डिस्कस है फैमिली कोर्ट के ऑर्डर में यही नहीं हम ऐसा है तो आओ बहुत सी चीजों पर फैक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं नहीं ठीक है हम लेट अस हैव सम प्रोग्रेस जस्ट सम प्रोग्रेसिव व्यू ओनली जस्ट हम एक चीज की बहुत सी बातों में बीटिंग अबाउट द बुश करने से कोई फायदा नहीं है आप हम प्रोग्रेसिव व्यू यही है इसमें कि जो मेंटेनेंस आपको अलाउ हुआ है जी इनको 77,000 की सैलरी मिल रही है जी 24,000 रुपया दे रहे हैं ये उसमें इंटरफेयर करने का क्वेश्चन नहीं उठता है उस रुपए में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे वो आपको मिल ही रहा है अगर आपको लगता है कि नहीं कोई इन्हांसमेंट वगैरह की जरूरत है उसके लिए आप वहाँ फाइल कीजिए फॉर अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर अब एक जी है ना रही बात एक ही बात है जो सिर्फ लग रही है हम हुजूर को बस इन्हीं का दिखलाना चाह रहे हैं शादी वाली बात जो है बेटियों की शादी वाली बात जी उस पर जरा हम इनसे पूछ रहे थे कि उसमें इनका क्या है अप्रोच
इन्होंने कोशिश पूरी की लेकिन इनको कहीं से सूचना ही नहीं दी गई, उनके तक पहुंचने का इनको रास्ता ही नहीं दिया जाता है, अपनी बेटी से ना मिलने दिया जाता है ना कुछ करने दिया जाता है। ऐसा कीजिए, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, इसको हम मेडिएशन सेंटर में भेज रहे हैं, आप बुलाइए अपने क्लाइंट को। जी जी, आप अपने क्लाइंट को बुलाइए यहाँ मेडिएशन सेंटर में, बैठाइए सबको सामने में। जी हाँ हाँ, एकदम होना भी चाहिए, जितना गिला शिकवा है सब शिकायत दूर कीजिए आपस में, एक दूसरे को बिठाइए। हुजूर से एक रिक्वेस्ट होता है कि अगर एक बार ओपी नंबर 2 और ये जो बेटी जो है इनकी है, जिनकी शादी की हम बात कर रहे हैं, उनको एक बार पर्सनली अपीयर करवा के एक बार पूछ ले। कोर्ट में काहे को अपीयर कराए, हुजूर सच्चाई सामने आ जाती, या एक एफिडेविट दे दें ये हमको, जैसे हम मेडिएशन में अगर भेज दें तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मेडिएशन में अगर भेज दें सर हुजूर, लेकिन उसे ठीक है वो तो मानते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये चीज स्पष्ट हो जाता, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है लर्नेड कोर्ट बिलो का, उसमें है कि जो एक प्रोविजन है, मान लो हम सेकंड लास्ट पेज में नीचे के चौथे लाइन से हम पढ़ना चाहेंगे कि इसलिए विपक्षी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने प्राप्त वेतन को माँ स्वयं आवेदिका श्वेता कुमारी सुषमा कुमारी दीप्ति कुमारी एवं रजनेश कुमार में बराबर बराबर हिस्सा करें तथा प्रत्येक को उसके हिस्से को उसके बैंक खाता में जमा करें। थोड़ा सा मार्क किया जाएगा माय लॉर्ड, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो या किसी सदस्य की शादी हो गई हो तो उनके हिस्से का शेष बचे सदस्यों के बीच बराबर बराबर हिस्सा करके उनके खाते में जमा करें। तो यहाँ पे तो ये सफर कर रहे हैं माय लॉर्ड, इस चीज का अगर डिसाइड हो जाता फिर हमको मीडिएशन में भेज दिया जाता, हम खुश रहते। कि इनको जो शेयर देना है उनके खाते में, तो दो बच्चियों की तो शादी हो गई है इनके जानकारी के अनुसार, लेकिन ये कह रहे हैं कि शादी नहीं हुई है। आपने कहाँ फाइल किया कि उनकी शादी हो गई? हमने अपने सप्लीमेंट्री के पैरा नंबर 6 में लिखा। ओनली वेग स्टेटमेंट, क्लैरिटी नहीं है ना कि दोनों की शादी हो गई। माय लॉर्ड, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, ना कोई डॉक्यूमेंट्स था, हम उनके पास पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उनसे एक एफिडेविट मंगवा लिया जाए कि उनकी शादी नहीं हुई है। ऐसा कीजिए, नहीं तो हम तो मतलब हम चैम्बर्स में रख देते हैं। जी जी, सबसे अच्छा होगा, अच्छा खुला लीजिए आप। और एक चीज और है, पैराग्राफ 3 अभी जो ये दिए हैं उसका प्रिलिमिनरी इंट्रैक्शन, हाँ हाँ वो जरूरी है, जो है ना इसको भेज देंगे, वो सबसे अच्छा होगा, और सबको बुला लें। पर्सन टू द लास्ट ऑर्डर, द पिटिशनर इज प्रेजेंट इन पर्सन, फुल स्टॉप, दिस कोर्ट हैज बीन इन्फॉर्म्ड दैट a sum of ₹24,160 is being deducted from his salary every month and the same is remitted in the account of the appointed party number 2. Full stop. Next, learned counsel for the appointed party number 2 accepts that on the last date he had mistakenly stated that the maintenance amount is not being paid. Full stop. This had happened in want of proper instruction. Full stop. Next, client counsel for the petitioner submits that as per operating part of the impugned order, comma, the salary of the petitioner is required to be apportioned among the persons who are mentioned therein. Full stop. According to him, 2 daughters of the petitioner have already been married, but the true and correct fact is not being disclosed in this court. Full stop. The request has been made by learned counsel for the petitioner to keep this matter at least on one date in chambers before sending the records to mediation, if at all required. Stop. Next, Mr. Sujit Kumar Singh, Learned Counsel for the appointed party number 2, agrees for the same. Next, let this case be listed in chambers on 9th January 2023 at 2:15 p.m.
फुल स्टॉप ऑन द सेट डेट द पिटिशनर कामा द ओपी नंबर टू एंड द डॉटर्स ऑफ द पिटिशनर शैल बी प्रेजेंट फॉर इंट्रैक्शन फुल स्टॉप प्लीज दिस मैटर अकॉर्डिंगली टेयर होगा छोटा सा ये पैराग्राफ थ्री में लिखे हैं कि ये मिडिल स्कूल में हेडमास्टर हैं लेकिन हम जो इंस्ट्रक्शन है सामने है तो क्लियर हो जाए ज़्यादा अच्छा है कि उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया है नाउ इज हेडमास्टर ऑफ द हाई स्कूल स्कूल हाई स्कूल हो गया ना जी वेदर ही इज टीचिंग इन द अपग्रेडेड हाई स्कूल या ही इज स्टिल इन मिडिल स्कूल अब वो हाई स्कूल हो गया हाँ तो हाई स्कूल और हाई स्कूल के लिए हेडमास्टर है आप हाई स्कूल के सर टीजीटी टीचर है सर टीचर है वहाँ जी प्रभारी है सर प्रभारी है जी ठीक है वही मटेरियल इनका पर्सनल अपीयरेंस आप पर्सनल अपीयरेंस कर रहे हैं चैंबर्स में जब चैंबर में तो नहीं नहीं वो डिस्पेंस करने के लिए आप पर्सनल अपीयरेंस का कहाँ सवाल है मच ऑफ चैंबर में रहेगा मच ऑफ लाइज माय लॉर्ड आई अगेन यू लॉर्ड से फील वेरी Sad you lot because you got benefit of appearing on behalf of the lady because much obliged.